हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉली स्टाइल और मैं हूँ पूजा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज मैं जो प्रोडक्ट की रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं एक आईलाइनर के ऊपर आज रिव्यू शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है ये लैक्मे के आईलाइनर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा नेल पेंट के जैसा लगते हैं बट पहले से लैक्मे के जो आईलाइनर है ये शेप में आ रहे हैं। ये भी ग्लास का है और इसका जो एप्लीकेटर है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं बाद में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने मेरे आईज पे आज ये आईलाइनर जो है मैंने अप्लाई किए। अभी मैं इसके पैकेजिंग के बारे में आपको बता देती हूँ। इसके जो नेट वॉल्यूम है वो है 9 ml और इसके प्राइस है 120 rupees। और लैक्मे के मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट्स है सबके शेल्फ लाइफ 30 months रहते हैं। ये जो है इसमें ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के है जो एक बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है, मैन्युफैक्चर है हिंदुस्तान यूनिलीवर से और इसका जो ब्रांड है वो है लैक्मे के है। ये इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर है, इधर आप देख सकते हो जब ये परचेस करेंगे। और इसके बैक कवर पे सिर्फ एड्रेस दिया हुआ है, बाकी और कुछ मेंशन नहीं है। शेल्फ लाइफ लाइक नेट वॉल्यूम ये सब दिया हुआ है। तो आज मैंने ऑलरेडी अप्लाई किए हैं और मैं आपको इधर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ ये कितना टाइम लेते हैं ड्राई होने में और इसका कलर जो है वो कैसा रहता है। बट इसको जब आप अप्लाई करेंगे इसको आप अच्छे से शेक कर लीजिए यूज़ करने से पहले। इसका पैकेजिंग जो है थोड़ा क्लासी दिखने में और इसके जो एप्लीकेटर है वो बाकी जो आईलाइनर है लाइक लिक्विड जो आईलाइनर है दूसरे कंपनी का, जैसे एलेक्टिन का हो गया, उसका एप्लीकेटर इतने बड़े नहीं आते, छोटे आते। बट इसके जो एप्लीकेटर है ये बहुत ही, मैं एक बार दिखा देती हूँ, बहुत ही मीन्स आपको अगर थीन लाइन चाहिए वो भी कर सकते हो और कोई थोड़ा मोटा लाइनिंग पसंद करते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। और एप्लीकेटर जो है वो बहुत स्मूथ है और अच्छे क्वालिटी के हैं। मैं इधर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी, लेकिन इसके जो ब्लैक जो कलर है, क्योंकि मैंने और भी कुछ ब्रांड के आईलाइनर यूज़ कर चुकी हूँ बट इसके जो ब्लैक कलर जितने ब्राइट है उतने ब्राइट नहीं है दूसरे ब्रांड के। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट इसके जो कलर है बहुत ही अच्छे दिखते हैं ड्राई होने के बाद। और बाद में आप जब भी आपको जब भी रिमूव करना रहेगा तो आप या तो आप मेकअप रिमूवर से भी रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो इसके जगह पर। बट स्मच थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मेकअप करने के बाद तुरंत ही आप आपको ऐसा ऐसा मत कीजिए क्योंकि उसमें स्मच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए 120 rupees में ये काफ़ी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं और काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट भी है और यूज़ करने में भी बहुत ईजी और फ्रेंडली है ये आईलाइनर। क्योंकि लेकिन अभी मार्केट में बहुत पेंसिल आईलाइनर आ गए हैं, उससे आपको लाइनिंग करने में बहुत हेल्प होता है, इजी होता है। बट ये जो लिक्विड लाइनर है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो कलर जो रहता है डार्क कलर, जो डार्कनेस जो रहता है वो बहुत अच्छे दिखते हैं। बाकी पेंसिल वाला मुझे थोड़ा सा काजल जैसा फील होता है, उसमें मुझे आईलाइनर जैसा फील नहीं होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप जब भी आई मेकअप करते हो, कोई है बहुत थोड़ा हैवी मेकअप आई में पसंद करते हैं उसके लिए तो मैं ऑब्वियसली ये सजेस्ट करूँगी आप लैक्मे की आईलाइनर परचेस कीजिए और यूज़ कीजिए। देखिए एक गॉर्जियस लुक लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे ये चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।